अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है इसको सिंप्लीफाई करके। तो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 63.99 इंटू 15/8 प्लस 353 इज इक्वल टू 10,444 डिवाइडेड बाई एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो क्वेश्चन में हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है इसलिए वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेंगे। तो 63.99 को हम मान लेते हैं 64 गुणित में है 15/8 प्लस 353 बराबर 10,444 भागित एक्स। ओके, तो 8 से 64 कट जाएगा 8 बार और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 120 को हम 353 में जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 473, ठीक है ना। तो 10,444 भागित एक्स या बटे एक्स आप कह सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को इधर लाएंगे यानी कि 10,444 में आपको 473 का भाग देना है। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर 73 हटा देते हैं, यहाँ से 44 हटा देते हैं। तो 4 का 104 में हमें भाग देना है। तो 4 का 104 में हम भाग देंगे तो आपको लगभग 26 मिल जाएगा। क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है इसलिए आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। 473 की अगर हम बात करें तो 73 जो है वो 44 से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का छोटी में भाग जाएगा तो मान कम आता है। तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो 26 से कम मिलेगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम कहें तो 473 जो है वो 500 के नियरेस्ट है तो आप इसको 5 मान सकते हैं। 500 अगर मानते हैं तो 20 से 44 इधर काट दीजिए, 5 का अगर आप भाग देते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर लगभग 21, ठीक है ना, 21 आंसर आएगा ऐसी स्थिति में। तो यानी कि 21 से 26 के बीच में हमारा आंसर होगा। और अगर हम ऑप्शन पर नज़र डालें तो 21 के सबसे नज़दीक यहाँ पर 22 जो है ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, 22 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है पहले अंडर रूट 624। अब हम जानते हैं वर्गमूल लेना है, 624 के सबसे नज़दीक होती है 625। पूर्ण वर्गमूल 625 पूर्ण वर्ग होता है 25 का, तो 625 का वर्गमूल हम यहाँ पर लेंगे 25। ओके, गुणित 14.02 को केवल 14 लिख लेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है हमको ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अंडर रूट 404 के बजाय हम इसको माने अंडर रूट 400 अगर मानते हैं तो 400 का वर्गमूल 20 होता है गुणित 15.97। तो 15.97 नज़दीक है 16 के। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 का हम 14 में गुणा करेंगे तो 25 दाई 250 होता, 25 चौक 350 हो जाएगा ये, और 16 दूनी 32 320 ये हो गया, यानी कि 670 फाइनल आंसर मिल गया। ओके, तो 670 दिया गया है ऑप्शन ए पर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है यहाँ। अगला क्वेश्चन है 8,461, तो और डिवाइडेड बाई है 11.99 यानी कि इसको 12 मान सकते हो आप। तो 12 का भाग लगेगा 8,461 में, तो 8,461 को अगर आप 8,460 माने और उसमें 12 का भाग लगाएं तो आसानी से चला जाएगा -24.01 है तो उसको 24 मान लीजिए डिवाइडेड बाई 5/100 यानी कि 5 से 100 काटोगे तो 20 यानी कि 1/20 रह गया। और डिवाइड है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके पलट सकते हैं इसके बाद की वैल्यू को। चलिए सॉल्व करते हैं। 12/7 84, 6 में नहीं जाएगा 0, 12/5 60। ओके, तो 705 में से माइनस करेंगे 24 और भागित को गुणित करके इसके बाद की संख्या को पलट दीजिए 20/1 यानी कि 20, ठीक है। तो 705 में से माइनस करना है 24 दूनी 48, 480। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 480 को आप 705 में से माइनस करेंगे तो 225 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 225 दिया गया है ऑप्शन ई पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 679 का 14.85%। तो 679 को हम मान लेते हैं लगभग राउंड फिगर में 700 और 14.85 को मान लेते हैं 15%। ये दोनों वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू ज़्यादा होंगी तो अगले स्टेप में हम वैल्यू कम मान लेते हैं, प्लस 219.89 यानी कि ये 220 मान सकते हो, या राउंड फिगर में और आसान मानना है तो 200 मान सकते हो, कम मानेंगे यहाँ पर का यानी कि मल्टीप्लाई 19.9 यानी कि 20%, ठीक है ना। तो वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, बस ये सिंप्लीफाई करना आपको आसानी से आना चाहिए। चलिए अब निकालते हैं, 700 का 15% आ जाएगा, 15 से 105 हो जाएगा यहाँ पर, और 200 का 20%, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 145 यहाँ आंसर आ जाएगा, और 145 दिया गया है ऑप्शन बी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1441 भागित, क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप इसको एक्स मान सकते हैं, 1441 भागित एक्स है ना। तो 1441 के नज़दीक राउंड फिगर में आप 1500 मान लें, उसमें भाग दे दें या बटे कर दें एक्स, प्लस 149.98 यानी कि 100-150 मान लें गुणित 14.99 यानी कि इसको 15 मान लें, बराबर में आपको दिया गया है 3006
ठीक है ना, या 3006 को 3000 आप 5 मान लीजिए, और इसको 254.91 को 255 मान लीजिए, ठीक है ना, या इसको 3000 और इसको 250 मान लें, ठीक है, तो आसान रहेगा। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करें, तो 1500 बटा एक्स प्लस 15 225 हो जाएगा, और एक जीरो 2250, और यहाँ 3000 में से 250 जाएगा तो 2750, प्लस की ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 2750 में से 2250 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 500, तो और इधर क्या बचेगा 1500 बटा एक्स, ठीक है ना, ये 2250 इधर चला गया, इसमें से माइनस हो गया, तो 500 बचा इधर 1500, एक्स को उस तरफ ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करने करके, तो 1500 में भाग लगेगा इस 500 का, ओके, तो 1500 में 500 का भाग लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 3, तो एक्स की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 3, जो कि दिया गया है ऑप्शन ई में, ठीक है ना, तो ये हो गया अपना आंसर।